मुद्दा साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ ग्वालियर चंबल संभाग में, और इस वक्त मैं हूँ मुरैना, मुरैना के जौरा में। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी गायिका और एक ऐसी बेटी से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने कुछ ही समय में, आप बोल सकते हैं थोड़े से ही समय में, बहुजन समाज में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। नाम आपने सुना ही होगा, अंजलि बौद्ध। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंजलि बौद्ध जी की। अंजलि बौद्ध वही जिनके गाने आपने कई बार मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखे होंगे। तो आज मैं उनके घर पर पहुंचा हूँ और उनके घर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। उनकी जो डेली की प्रक्रिया है वो दिखाने वाला हूँ। वो क्या करती हैं, किस तरह से अपने गाने लिखती हैं, किस तरह से गाती हैं, उनके माता पिता कौन है, उनके भाई कौन है, उनका घर क्या है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है और वीडियो यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिए। तो साथियों, इस वक्त मेरे साथ अंजलि बहन जी हैं। तो अंजलि बहन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब अकाउंट में जिसका नाम है बहुजन यूट्यूब है। जबिन भैया, आपको भी जी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हमारा जी इंटरव्यू लेने के लिए। जी मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने जो है गायकी को ही क्यों चुना? जी भैया, ये मेरा जी बचपन से शौक था। जी जब हमारे पापा बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम, यानी बाबा साहब के जो कार्यक्रम होते थे, उनमें जाते थे। जी पहले मैं नहीं गाती थी, पहले मेरे पिताजी गाते थे। जी तो वो जाते थे तो अपने साथ मुझे ले जाते थे, तो मुझे एक दो गाना गाने का मौका मिलता था। जब लोग मेरे गाने पर तालियां बजाते थे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, जी मतलब इसीलिए मैंने भी यही लाइन चुनी। उस समय जब रैलियां हुआ करती तो उस समय आपको गाने का मौका दिया जाता था, उस समय आपको डर वगैरह लगता था थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा सा डर लगता था लेकिन बाद में झिझक खुलती चली गई। जी। और अब आपको मतलब कहीं पर भी गाने का मौका दिया जाए तो आप बखूबी बहुत अच्छा गाती हैं। बिल्कुल, अब कोई डर नहीं लगता। जी। तो अंजलि दीदी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब आप अपने गीते के माध्यम को और आगे ले जाना चाहोगे कि रोक दोगे? नहीं, मैं अपने गीतों के माध्यम से समाज को जागृत करूंगी जी और बिल्कुल आगे तक कार्यक्रम चलेंगे हमारे, रुकने जी वाले नहीं। तो मतलब अपने इस हुनर को जो और जन जन तक पहुंचाना ही आपका अंतिम उद्देश्य है। और था, मैं वैसे पूछना नहीं चाहूंगा, बड़ी देर से मैं सोच रहा था, क्योंकि किसी भी कलाकार से ये पूछना कि उसके गुरु कौन है, उसके मार्गदर्शन कौन है, तो थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है। तो बस फिर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपके गुरु कौन है? सुन भैया, मेरे गुरुजी मेरे स्वयं पिताजी हैं। उन्होंने जी मुझे अब मेरी उंगली पकड़ कर चलना सिखाया जी और मंचों तक मुझे वही लेके गए। उनकी बदौलत आज मैं इतनी इतनी बड़ी मंचों पर बहन पहुंची। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपके पिताजी आपके गुरु हैं। जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि माता पिता बच्चों के पहले गुरु होते हैं, और आपके गुरु तो आपके साथ ही रहते हैं सदैव। लेकिन मैं आपको एक सवाल मेरा और है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में आप जिन मंचों पे आप गाने गाती हैं जाती हैं, ये सब आपके अंदर कहाँ से आया? मतलब इसको आपको मार्गदर्शक? मैं आपको बताना चाहती हूँ जी कि जो मैं कैडर देना सीख रही हूँ जी और जो पब्लिक के दिमाग से अंधविश्वास को निकालने का जी मैं प्रयत्न कर रही हूँ, ये परम सम्माननीय मुरैना जिले के मशहूर सिंगर, जी बुद्ध गाता वाचक मेरे बड़े भाई जी सुमन प्रताप बौद्ध जी से मैंने सीखा है। जी और जब कभी भी कार्यक्रम आते हैं तो हम लोग साथ में जाते हैं, जी और जब साथ में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी तो जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो हम उनको बुलाते हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो वो हमें बुलाते हैं। जी इसीलिए कैडर और ये अंधविश्वास पाखंडपन को, महिलाओं के दिमाग से गंदगी को बाहर बाहर निकालना निकालने के लिए आप हम जो है गुरु जी के साथ कार्य करती बिल्कुल हैं। साल हुई है। और जी 1 साल के अंदर मैंने हमारे बड़े भाई सुमन प्रताप बौद्ध जी से बहुत कुछ सीखा है। और ऐसा नहीं, मुझसे पहले भी मेरे पिताजी और हमारे भाई की गहरी मित्रता थी, ये लोग साथ में जाते थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए, अब गाना सीखे तो हम भी इनके साथ जाते हैं। जी मेरा एक सवाल और था, मैं चाहता तो ये इंटरव्यू आपके जहाँ भी प्रोग्राम लगे होते हैं वहाँ जाकर ले सकता था, लेकिन मैं पर्सनली लगभग 150 किलोमीटर दूर चलकर आपके घर आया हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप जैसे प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, रात्रि भी हो जाती है, सुबह आना होता है आपको, तो इस बीच जब आप अपने घर लौटते हैं तो आपके माता पिता कोई सवाल करते हैं क्या आपसे? करते हैं ना, जी मम्मी पूछते हैं बेटा कैसा रहा कार्यक्रम, जी पापा भी यही पूछते हैं, भैया साथ में ही रहते हैं, जी और मम्मी भी कभी कभी जाती हैं कार्यक्रम में। ऐसा नहीं है मैं आते ही घर पर सीधा सो जाती हूँ और खाना तैयार मिलता है, जी और मम्मी बहुत अच्छी है जी मेरी। तो
अंजलि जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, यदि आपको अच्छा लगे तो क्या आप अपनी माता जी से हमें मिलवाएंगे? जी बिल्कुल। सवाल था, जैसे अंजलि बहन जी अब बाहर गाने गाने के लिए जाती हैं, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता, डर क्यों लगा, मेरा बेटा जाता है, मेरे अंजलि के पापा जाते हैं, जी सुमन चौधरी भी जाते हैं, मेरी गुरु जी है ना, जी ये भी जाते हैं, डर का है देखो। तो इस वक्त आप जिन्हें सुन रहे थे वो अंजलि बौद्ध जी की माता जी थी। माता जी ने बिल्कुल कहा कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अंजलि बहन जी जब भी गाने गाने के लिए क्षेत्र में जाती हैं, बल्कि उनको गर्व महसूस होता है कि उनकी बेटी समाज में जाकर एक अच्छा काम कर रही है, वो जो समाज को जगाने का काम। आप अंजलि बौद्ध बहन जी को सुन रहे थे, साथ में उनकी माता जी को भी आपने सुना, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उनका घर किस प्रकार का बना हो। जैसा कि सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत चलता है कि जो गायक होते हैं वो वाकई में बहुत पैसे वाले होते हैं, कई अफवाहें फैलाई जाती हैं कि गायक जो हैं समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंजलि बहन जी के परिवार में बाइक तलक नहीं है। अभी आप मेरे पीछे जो एडलस साइकिल देख रहे हैं यही उनकी साइकिल है, और घर में आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये उनका घर है, आप देख पा रहे हैं, गुम्मे का जरूर बना, लेकिन यदि आप ऊपर की साइड देखेंगे तो अभी भी जो है छत नहीं हुई है, कच्चा मकान है। और अभी लगभग 2 दिन से जो मुरैना में बारिश चल रही है, तो बारिश के समय उनके घर का क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हैं। पूरे घर में जो पानी भरा हुआ था, एक कमरा था जिसमें हम बैठ के अभी इंटरव्यू ले रहे थे बहन जी का, वही कमरा चाहे समझ ली, उसी कमरे में लगभग वो 3 से 4 लोगों का परिवार उसी में रहता है, और बाकी आप उनके घर की यह हालत देख सकते हैं। आज मैं आप सब लोगों को घर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी समझ सकें कि बाकी में जो गायक होते हैं, गायक गायिका होते हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा पानी, इतना पानी भर गया था इस घर में कि ईंटों का सहारा लेना पड़ा है ऐसे रास्ते में चलने के लिए। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गायक हैं वो किस प्रकार से अपने घर में रहती हैं। क्योंकि परिवार से मिलवाया, उनके घर के बारे में बताया, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और बाकी अपने सब समाज को बताएं कि हमारे जो गायक हैं, गायिका हैं, वो किस प्रकार से रहती हैं। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम, जय भीम, नमो बुद्धाय, और एक लाइक मार दीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।